क्या मंदिर में सिर्फ मूर्ति होती है, भगवान नहीं होते हैं? ऐसा लगता है आपको? तो ये सुनिए, अयोध्या में एक संत रहते थे, एक बाबा रहते थे, जो बिहारी जी को बोलते थे तू मेरा छोटा भाई है, अपने आप को बड़ा बताते थे। और बिहारी जी के पास जाते थे, ठाकुर जी के पास जाते थे, हमेशा बोलते थे देख किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, कोई दिक्कत हो तो बता देना। हमेशा ऐसा व्यवहार करते थे कि ठाकुर जी छोटे भाई हैं और ये बड़े भाई हैं। तो जब भी मंदिर जाते ऐसी ही बातें करते। एक बार हुआ यूं कि कनक बिहारी जी की जो सेवा करते थे गोस्वामी जी, उनके बेटे को एक बीमारी लग गई, उनको खुजली हो गई और कुछ ज्यादा हो गई। वो बीमारी थोड़ी खतरनाक थी तो उन्होंने वैद्य को दिखाया, वैद्य ने बताया कि ये तीन चार चीजें मिला के लगाना, तो जो बच्चा है वहां पे जहां जहां खुजली हो रही है वो लगाना, वो ठीक हो जाएगा। अब उन तीन चार चीजों में एक थी नीला थोथा। नीला थोथा जो है एक प्रकार का जहर होता है, वो जहर दिया। अब जो मंदिर के जो पुजारी थे वो आए, वो जड़ी बूटियां और वो लेकर के नीला थोथा, उन्होंने वहां ऊपर अलमारी के ऊपर जहां ठाकुर जी की मिश्री रखी होती थी वहां वो नीला थोथा रख दिया। अब शाम हुई, उन दिनों इतनी लाइट वाइट तो होती नहीं थी, शाम को अंधेरा हो जाता था, तो शाम को ठाकुर जी को दूध का भोग लगता था, सुलाने से पहले उनको दूध दिया जाता था। तो पुजारी जी आए, पुजारी जी ने आकर के क्या किया कि वो जहां मिश्री उठानी थी उसकी जगह वो नीला थोथा उठा और दूध में मिला दिया, दूध में मिला दिया। वहां ठाकुर जी का दिया लगा रखा था, वो दूध की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, पहले ही हड़बड़ाए हुए थे क्योंकि बच्चा बीमार था, और दूध जाकर के रख दिया बिहारी जी के पास, कनक बिहारी जी के पास। अब जो पुजारी जी हैं वो जाकर के सो गए। अब इधर जो है वो नीले थोथे का दूध, वो जहर का दूध, वो ठाकुर जी के मंदिर में रखा हुआ है और ठाकुर जी उसका भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी ने उसका भोग लगाया और ठाकुर जी को पीड़ा महसूस हुई क्योंकि वो जहर का दूध था। पीड़ा महसूस हुई तो ठाकुर जी का जो सफेद शरीर है एकदम काला पड़ने लगा। अब ठाकुर जी की जो मूर्ति है धीरे धीरे काली पड़ने लगी, लेकिन पुजारी जी तो जाकर सो गए। अब ठाकुर जी जो है सपने में आए किसके? वो संत बाबा के। कौन संत बाबा? जो ठाकुर जी को रोज आके बोलता था तू छोटा भाई है, कोई दिक्कत हो तो बताना। और आए जाकर के उसको बोले संत बाबा को कि दादा, दादा बहुत पीड़ा हो रही है, सुनो दादा बहुत पीड़ा हो रही है, पुजारी ने जहर पिला दिया मुझे। हड़बड़ाकर उठे संत बाबा और फटाफट सबको उठाया, बोले जल्दी चलो जल्दी चलो, ठंडाई लो, दूध लो, जल्दी चलो। बोले अरे बाबा क्या हो गया आधी रात को? बोला अरे वहां कनक बिहारी जी को जहर पिला दिया पुजारी जी ने, जल्दी चलो मेरा ठाकुर जो है परेशान है। और ये भागे मंदिर की तरफ, मंदिर जाकर के द्वार खटखटाया, पुजारी जी उठे, पुजारी जी बोले इतनी रात को क्यों आए हो बाबा, तो भगवान भी सो गए हैं, हम भी सो गए थे, अब क्या हो गया? अब बाबा बोले अरे दरवाजा खोलो, सोए नहीं है बिहारी जी, जहर पिला दिया तुमने उसे, अरे मेरा ठाकुर परेशान है, जल्दी से दरवाजा खोलो। अंदर गए, पुजारी जी ने देखा जहर पिला दिया, मैंने जहर पिला दिया। और पुजारी जी ने देखा कि वहां जो मिश्री की जो कटोरी थी वो रखी हुई थी, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, बड़े परेशान हो गए। और ये जो संत हैं सीधा कनक बिहारी जी के पास गए, तो देखा तो उनकी जो तस्वीर है वो एकदम काली पड़ चुकी। पुजारी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये क्या पाप कर दिया होगा। अब देख रहे हैं ठंडे दूध से ठाकुर जी को नहला रहे हैं, गंगा जल से नहला रहे हैं, पर कुछ असर नहीं पड़ रहा। धीरे धीरे आधी रात में बात जो है पूरे गांव में शहर में फैल गई, हजारों लोग इकट्ठा हो गए मंदिर के बाहर, अचंभित थे लोग, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता। अब गलती पुजारी की भी नहीं थी, उसने जानबूझ के तो ऐसा किया नहीं था। तो संत बाबा हैं बड़े परेशान हो गए, बोले कि मुझे ठाकुर से बात करने दो। तो ठाकुर को बोले कि भाई अब तू बता, मैं तो सब कुछ कर चुका हूं, तू तो भगवान है, ईश्वर है, तू बता अब मैं क्या करूं जिससे तू ठीक हो जाए, तू ही बता तेरा इलाज क्या है। तो बिहारी जी ने बाबा को बोला
ये जो गिलास में दूध है ना, इस दूध को यदि कोई पी लेगा तो मेरी पीड़ा खत्म हो जाएगी, मेरा जहर उतर जाएगा। तो संत बाबा बोले, अरे छोटे ऐसी कैसी बात कर रहा है तू, ला भी पी लेता हूं। उठा करके पीने लगे और आवाज आई कि नहीं, तुम्हें नहीं पीना, सवा मन दूध लेके आओ, उसमें इसे मिलाओ और लोगों में बांटो, जब सब इसे पी लेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। संत बाबा और पुजारी जी बाहर आए, बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई, लोगों ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ ठाकुर जी को, क्या हुआ? बताया गया कि क्या हुआ। संत बाबा ने बोला कि देखो ये दूध है, ठाकुर जी ने बोला है कि इस दूध को सवामन दूध में मिला करके यदि बांट दिया जाएगा और सब लोग पी लेंगे तो ठाकुर जी ठीक हो जाएंगे, जहर है इस दूध में। और आप यकीन मानना, जब संत बाबा ने पूछा कि कौन कौन पिएगा तो एक भी हाथ ऐसा नहीं था जो नीचे था, सबके हाथ ऊपर खड़े थे, क्योंकि अपने बिहारी के लिए सब अपनी जान देना चाहते थे, सब निछावर होना चाहते थे, क्योंकि ठाकुर से इतना प्रेम करते थे। तो सबने कहा कि मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। और सवामन दूध में वो जहर जो है, जहर वाला दूध मिलाया गया, मिला करके एक एक चम्मच बांटा गया। जब एक एक चम्मच बांटा गया, इधर लोग वो जहर वाला दूध पी रहे थे प्रसाद के रूप में, उनके लिए अमृत हो रहा था, और इधर जो है जो काली पड़ी तस्वीर थी, मूर्त थी भगवान की, वो दोबारा सफेद हो रही थी। जब सारा दूध खत्म हो गया, लोगों ने जय जयकार की ठाकुर जी की, लोग चले गए, तो जब अंदर आए संत बाबा ठाकुर जी को देखने, मूर्त पूरी सफेद हो गई थी, लेकिन एक काला निशान उनकी हथेली में था। बाबा ने पूछा कि ठाकुर ये क्या है, ये कैसे रह गया? तो ठाकुर जी ने कहा, जिस कढ़ाई में दूध मिलाया था ना, उसमें थोड़ा सा दूध तली में रह गया था, वो किसी ने पिया नहीं, तो ये वो निशान है और इसे मैं रखना चाहता हूं। ये मैं इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि ये मेरे बड़े भाई के प्यार की निशानी है। ठाकुर जी ने बाबा को कहा कि तुम मेरे बड़े भाई और आधी रात में आके तुमने मेरी पीड़ा दूर की है, ये अद्भुत जो प्रेम है, कमाल का प्रेम है। दोस्तों, आप कभी कनक बिहारी जी के मंदिर जाना अयोध्या में, आज भी उनके हाथों में, उनकी हथेलियों में वो काला निशान छिपाने के लिए मेहंदी लगाई जाती है। तो आज के बाद कभी मत सोचना कि वो सिर्फ मूरत है, मूर्ख होते हैं वो लोग जो ये सोचते हैं कि वो मूरत है, वो ईश्वर है, साक्षात है। आपकी जो आस्था है, आपका विश्वास है, आपका जो प्रेम है, उस मूरत में उस भगवान को स्थापित करता है। हर मंदिर में, आपके घर के मंदिर में भी, हर मंदिर में भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। इसलिए जब भी आप बात करें ठाकुर से, बड़े दिल से बात करें, वो आपकी हर बात सुनता है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। हरे कृष्ण।